कलाकार सुबेदार यादव और साथी कठवा मोड़ गाजीपुर की तरफ से ये विरहा प्रस्तुत किया जा रहा है और हमें उम्मीद है आप सबका आशीर्वाद लगेगा। जैसे देश की हालात आप देख रहे हैं, कश्मीर से 370 धारा हटने के बाद कैसे खिसियानी बिल्ली जैसा पाकिस्तान चिल्ला रहा है। विश्व में कहीं समर्थन हासिल नहीं हुआ तो एलओसी का उल्लंघन करके और निरीह लोगों पर गोली बम बरसा रहा है। लेकिन मेरे बाबूजी, ये हिंदुस्तान की धरती है, चार लाइन कवि भूमिका में लिखे। अरे देश बटने लगा, हिंद फटने लगा, बह रहे आर्मा खून की धार में, भाई भाई का गर्दन उड़ाने लगा, प्यार जलने लगा आज अंगार में, जिद जिन्ना किया पाक को ले लिया, फिर भी नफरत की ज्वाला बनी रह गई, पीर कश्मीर धरती के कारण हुआ, तेग दोनों तरफ की तनी रह गई। हमारे विरह के श्रोता भगवान, आप सबको याद होगा 1947 में विशाल भारत अंग्रेजों के कूटनीति के चलते दो खंडों में बट गया। एक पाकिस्तान जिनका पीएम प्रथम जिन्ना हुआ और दूसरा हिंदुस्तान जिसका प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू हुए। और तब से लेकर आज तक नफरत की बीज बोने में ही लगा है आतंकवाद, नक्सलवाद, तमाम खुराफात पाकिस्तान वालों ने हिंदुस्तान के ऊपर किया। लेकिन हम तो विश्व बंधुत्व का भाव रखते हैं। एक लाइन यहां कवाली का भाव लगल मास्टर कैसे, मां मास्टर वाह, उहे कवाली का बोल बा कि अरे लड़के हैं मुहल्ले के, लड़के हैं मुहल्ले के, शैतान मेरी लैला, दुकान मेरी लैला, दुकान मेरी लैला, ए बाबू भैया चाचा लो, हिंदुस्तान की खासियत क्या है, चल भैया, कि सदियों से है बलिदानी, अरे सदियों से है बलिदानी ये हिंद की धरती, सदियों से है बलिदानी ये हिंद की धरती, दुश्मन को भी मोहब्बत और प्यार है।
काहे करती। यही से चचा लो बाबू लो कहानी की शुरुआत हो गई नजम लगल मास्टर। सीने का सुनिए सुना रहा हूँ ये दर्द मेरे सीने का, नाम लेने में शर्म आती है कमीने का। कश्मीर मेरा है सारे जहां में बोल रहा हुआ बंटवारा दुष्ट तब से जहर घोल रहा। नशा चढ़ा था पाक ऊपर बेवफाई का, नशा चढ़ा था पाक ऊपर बेवफाई का, बादल छा गए थे 65 की लड़ाई का। ए भैया सरहद पर 1965 में लड़ाई का माहौल हो गई बा, पाकिस्तान अपने तैयारी में और हिंदुस्तान अपने तैयारी में। ठीक वही बेला में जिला गाजीपुर में दनीपुर का बलकारी था, जिला गाजीपुर में दनीपुर का बलकारी था, सियारम यादव जीआरबी अब में अधिकारी था। ए भैया गाजीपुर करंडा परगना का मेदनीपुर गांव का रहे वाला सियाराम यादव गढ़वाल रेजिमेंट का कर्नल रहलन, बॉर्डर पर तैनाती बा। यही बीच में प्रांत पंजाब जालंधर का रहे वाला अब्दुल कलाम नाम का सिपाही पोस्ट होके उनके बटालियन में आई। सरहद पे सरगर्मी बा, शाम का वक्त बा, बूंदा बूंदी कुछ होत बा। सियाराम यादव अब्दुल कलाम सिपाही के बला के कलन, अब्दुल कलाम तेरे ऊपर मेरा विश्वास इत्मीनान है, एक अधिकारियों की गुप्त मीटिंग है, हम जात थी वही मीटिंग में आज जौले न आई, एक कमान के तुहरे हाथ में सौंप के जात थी। लेकिन एगो बात ख्याल रखिया, एक लाइन गीत लगे मास्टर, उहे गीतबा की महुआ नियर मदमातल गोरिया नैन तोहार हो, देखिए डोले लाई माल जान कहते, देखिए डोले लाई माल। कर्नल सियाराम यादव अब्दुल कलाम सिपाही के कहने की खबरदार, अब्दुल कलाम एक बात का ख्याल रखना है कि सरहद पर मदमातल
सरहद पर मद मातल, मद में पाकिस्तान हो, देख के हालत लागे ऐसे फिर से नहाई हो, गांधी का धरती ताजा खून से, बाबुलू इतने कही के ता अब्दुल कलाम के सिया राम यादव कर्नल साहब गुप्त मीटिंग में चल गई लन। कवि जी लिखत वन की वफादार सैनिक अब्दुल डायरेक्टर सर का मान लिया, अरे मसल के रख दूंगा सालों को, से सिपाही ठान लिया। अरे साहब का चिंता करत हुआ सरहद के उस पार से गरजू, पंछी भी आ जाएगा कसम खुदा की डटा है अब्दुल जिंदा ना बच पाएगा। जाइए सर जाइए, चले गए कर्नल साहब, शाम का वक्त है, हलचल भैया बूंदा बूंदी का कुछ बदलाव आई बा, और तब तक देख रहा है अब्दुल कलाम। चले गए सर सियाराम, चले गए सर सियाराम, अंबर में बादल छाया है, पाकिस्तानी नौजवान एक सरहद के समीप आया है।
उधर से बॉर्डर के उधर से एक पाकिस्तानी सिपाही आ रहा है, हाथ में गन उठा लिया है अब्दुल कलाम। कहा कौन है, रुक जाओ, हाथ ऊपर उठा दो। कई बार बोला लेकिन इसके जब समझ में नहीं आया तो एक बात कहता है, तर्ज बदल गई भैया, तर्ज है बा मास्टर कि कावन विटामिन खा ले दिने पर दिन चिकना ले, कर कमर हाकी तरजुई के पाला रारे गोले धीरे धीरे ए वो ऊपर जाला ए गो जाला खाल रारे गोले धीरे धीरे ए वो ऊपर जाला। पाकिस्तानी को सरेंडर बोलने के लिए कहा, लेकिन जब नहीं सरेंडर कहता है तो सोच रहा है, कावन हरामी साला लागेला मन के काला, कावन हरा ककोनो सैनिक हाथी हुए कोनो छोरा वारे आवे धीरे धीरे जानत नहीं खे हिंदुस्तानी सानी जोरा वारे आवे धीरे धीरे जानत नहीं खे हिंदुस्तानी जोरा वारे आवे। अब्दुल कलाम फौजी हिंदुस्तानी का दिमाग गरम हो गई, सब झारखंडे भैया देश पे जब आज खड़ा फर जाया दियाइल बिजुरी की भांति तब गोली तड़ी तराई तगीरल खून में नहा के वही ओरा वारे आवे धीरे धीरे अब्दुल कलाम ललकारा रोक जा वरना गोली मार देंगे, और इतना कहने के साथ ही गोली चला ही दिया। वो पाकिस्तानी सैनिक गिर गया, साला कुत्ता कमीने की औलाद कैसे तेरी हिम्मत हुई रे। अब्दुल कलाम के जिंदा रहते और उसके ड्यूटी के पहरे में कैसे तू घुसपैठ कर रहा है। आय हाय बाबू, इतना बतिया पाकिस्तानी जवान जब सुनलस ना तरो के गो बात कहत बा का कहलस भैया, कलस की कायर कमी ना नाही तनी को या धर मेरे बानी, तनी को या धर मेरे बानी पाकी फौज के हम जवानी जी। आए अब्दुल कलाम तो हिंदुस्तान का है ना, जितना हिंदुस्तान से तेरी मोहब्बत है उससे अधिक मुझे भी हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इसलिए कि देशवा बांटाई लियाली सेना में भरती रे भैली, सेना में भरती रे भैली असली मुलुक का हिंदुस्तानी जी। हम भी हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ अब्दुल तो मैं पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, सेना में भर्ती हो गया। कहा साला तो मैं रुकने के लिए बोला, सरेंडर करने के लिए बोला, क्यों नहीं सरेंडर कहा, क्यों नहीं सरेंडर किया। तब रो के कहत बा कि कैली सरेंडर नहीं समझे ना पवला भैया, समझे ना पवला हो गोलिया चाला वाला बन तू फ
हानी जी। हम तो सिलेंडर कैली भैया, लेकिन आवेश में रहला, तोरे समझ में नहीं आई। बोल तेरा नाम क्या है? कहा भैया मेरा नाम रज्जाक है। क्यों यहाँ आ रहा था? तक कहलस कि अब्दुल कलाम हमारे बुआ के लाला नवा हो बाटे, बुआ के लाला नवा हो, करे आईली उन्हीं से मी लाने जी। अब्दुल कलाम मेरे एक बुआ का भी लड़का है, जो हिंदुस्तान के फौज में भर्ती है। मैं उसी से मिलने के लिए आ रहा था, बात जरूरी काम था। बोला क्या काम है? मेरा ही नाम अब्दुल कलाम है। तब तो और रोने लगा, समय कम है भैया, मुझसे गुस्ताखी हो गई। तब कहता है कि नक्शा लड़ाई वाला भैया के देवे हो आईली, भैया के देवे हो आईली, जागल जब हमारोई मानी जी। अब्दुल कलाम पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ने के लिए एक नक्शा तैयार किया है, उसी नक्शा को मैं देने के लिए आ रहा था। तब तक तू गोली चला दिया भैया। कहा दे नक्शा। तकलस्त इनमें तो गलती हो गई भैया, कभी जी लिखा थोन भैया का। अरे जल्दी बाजी में नक्शा भूला गई ली बाबू, भूलैले में गोली खा गई ली बाबू, गोली खा गई ली बाबू। कलाम भैया खुशी में हम नक्शा भी लिया वे भूल गए ली। हमरे घरवा एगो बक्सा बा, अब बक्सा में एगो किताब बा, वही किताबिये में चुरा के हम नक्शवा रखले रही हल। लेकिन आवे का दाई भैया हमसे बतिये बिसर गई। तब भैले यकीनी रोवे फौजी जवनवा, अरे हम ही कलाम तोहरे बुआ का ललना। भूलैले में गोल खा गईली बाबू। इतना कहने के साथ ही हलचल भैया, ओ पाकिस्तानी सैनिक रज्जाक दम तोड़ दिया। रो रहा है अब्दुल कलाम, सारे सैनिक साथी आ गए। और तब तक मीटिंग खत्म होने के बाद कर्नल सियाराम यादव भी आ गए, लाश देख रहे हैं, फौजियों को रोते देख रहे हैं। क्या बात है? सारी बात जब अब्दुल कलाम बताया तो सीमा के हिंदुस्तानी सरहद में उसको मिट्टी दी जाती है। कभी जी लिखत हूं यहां बिरहा के शैली में, अरे भारत को खोया हीरा मिल गया, अरे मोर राम जुदा हो गया जिस्म से प्राण लिए मन पीरा, अरे हो पीरा, अरे हो पीरा। रज्जाक को मिट्टी देने के बाद बाबू अब अब्दुल कलाम को ठीक नहीं लग रहा है, रात दिन रो रहा है। सियाराम यादव बोले, बेटा अब्दुल कलाम तू 15 दिन की छुट्टी लेकर घर चला जा। आ घर जब आया तो माई के लिपट के इतना रोलस, इतना रोलस कि बुढ़िया माँ भी रोने लगी। अरे तुम तो हमेशा खुश रहा करता था बेटा, कौन सी आफत मुसीबत आ गई कि आज मुझे पकड़ कर रो रहा है? तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। एगो तर्ज बदल गई मास्टर, Thank you.
हाय 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 कौनो गवनहरी औरत सैया जी के उलाना देत बा कि काहो दसे दिन रख के कहां चल गई ला, तोके ख्याल नहीं बा का कहत बा कि हमारा के छोड़ी के गई ला। अरे हमारा के छोड़ी के गई ला, तू कही सावना महीना में बरसे रिमझिम पनिया ए पिया। सावना महीना में बरसे रिमझिम। अब्दुल कलाम अपनी बुढ़िया माई से रो रो के कहत बा काहे हम उदास हैं माई, कहीं तो के पकड़ के रोवत है। तड़पे पर नवा रोवे, तड़पे पर नवा रोवे, देसवा के रगिया है आहे, देसवा के रगिया है आहे। भैया बढ़ा के गई ले दिलावा में अगिया है, भैया बढ़ा के गई ले माई से कहले आखे बिलखत सुगनवा मिलले रजाक हमसे सीमा पे बिरनवा। खातिर दबले बनी हियरा में पीर हो, कैसे के नक्शा मिली बानी हम अधीर हो। माई मामा का घर का हमके रास्ता बता दे, हम जाए अपने वतन के खातिर देश के खातिर, जान हथेली पर रखे और भैया के बक्सा से किताब से नक्शा फाड़ के ले आई। पागल हो गई ले रे अब्दुल।
अरे आजादी के बाद कबो तू अपने मामा के घर नहीं गई ले, तो सुन हम मार बुढ़ौती बा, अगर ये बुढ़ाई देश के काम आ जाई तो हम अपने के सौभाग्यशाली समझब। बुढ़िया माई रो के खात बैकलैन गीत लगिल भैया। हाय 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 कि यार मांगे कुर्बानी, ये बेटा मांगे कुर्बानी, मांगे कुर्बानी है वतनवा। अरे आईला बुढ़ाई सुगनावा, मांगे कुर्बानी है वतनवा। हिंदुस्तान एक बूढ़ी माँ के दिल में वतन से कितना प्यार है। कुर्बानी है वतनवा की, मांगे कुर्बानी है वतनवा, आईले बुढ़ाई मोर सुगना। बुढ़िया माई खल सरे पागल हो गई अब्दुल, देखल बनई हर लाहौर हम जाइबे, अरे नक्शा कसैयन का ढूंढ के लियाइबे की, मांगे कुर्बानी है वतनवा। अरे बेटा देश बदे जाई भले जानावा। अरे बेटा हमार का बारी, ऐसा हूं तो हम मरे वाली बानी, आज दुश्मन का नक्शा अगर लिया वे में हम मर भी जाए बेटा, तो हमरे आत्मा के शांति मिली कि मरले से पहले अपने वतन के खातिर कुछ करे खातिर गई रहली। देखवा भैया बुढ़िया धीरे से रात के वक्त उठल बा और सुबेरे समझौता एक्सप्रेस के पकड़ के अब पहुंचल बा लाहौर में। दो चार दिन हाल चाल नैहर के सखी से हेलिन से मिलल जुलल भैया बाबू लोग से हाल चाल कैलस। एक दिन मौका पा के ने अशोक बाबू उ किताब से लड़ाई वाला नक्शा फार लेलस, और फार के ओ नक्शा के ऐसन लपेट के कह दिलस जैसे कोनो ताबीज हो। काला कपड़ा में सी के अपने बाएं हाथ के बाजू में बांध के, और जब पूरा बस्ती का लोग सूत गए नैहर के सब लोग सूत गई, तब बुढ़िया माई धीरे से सरहद की तरफ भागे लगल। भग रही है गिर रही है भग रही है, तभी जी हाँ पापट के लाइन लिखलन भैया। रात में भागी तज करके लहर गौर से सरहद पर, मगर लिखा था किस्मत में कुछ ही और गौर से सरहद पर। अब अपन बॉर्डर का तार वाइट क्रिकेटिंग कुछ ही दूर पर हो बाबू, लेकिन तवले भैल का कि बिगड़ल संयोग उस दम खांसी गई लियाई हो, देशवा कदे भी गईली दुश्मन से घेराई हो। शुरू हुआ है टार्चर वाला दौर गौर से सरहद पर, और सही बता दो कहां तुम्हारा ठोर गौर से सरहद पर। अचानक बुढ़िया माई गिरल अशोक तो खांसी आ गई, आ खांसी आ गई तो पाकिस्तानी फौज के जमानन के शंका भइल जौन ड्यूटी लेते रहलन। चार्ज कराओ सनी बारे तो देखे कि बुढ़िया बेतहासा भगी जा रही है। पकड़ ली बाबू कौन है रे, कहाँ भग रही थी, कहाँ की रहने वाली है। बुढ़िया से लाग पूछते हैं पाकिस्तानी फौजी, लेकिन केवल केवल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। टार्चर करना शुरू कर दिए बाबू, लेकिन वारे हिंदुस्तान की माँ एक बार भी उफ नहीं करती है।
यहाँ अलाक भाव में कवि जी लिखत हूँ झारखंडे। झांसी वाली रनिया पिठिया पे लाल बांधी दे दिहाली जा, बुढ़िया माई को लाख यातना पाकिस्तानी फौजी दे रहे हैं। वार हिंदुस्तान की मतारी एक बार भी अपने वतन के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोलती है। कवि जी लिखत उनकी यातना सहेली माई खोले ना जुबनिया, ले सबावा तनावा काठी नहीं साल। आंधी और तूफान आ गया, पाकिस्तानी फौजियों का कैंप उड़खड़ने लगा, उड़ने लगा। बुढ़िया माई की तपके पूछेला, अपने अपने सामान कैंप को बचाने के लिए पाकिस्तानी फौजी दौड़ पड़े। तब बाहर बुढ़िया माई घुटना के बल, केहुनी के बल, अब बुढ़िया माई अपने वतन के सरहद की तरफ भागे लगल। तब कभी जी लिखत उनकी भीगली शरीर टूटी गई बेहोशिया, भागली मतारी ले हथेली अपे जान, अरे सरहद के तार फाड़ दिया छतिया के, लोग कहते हैं कि हिम्मत है खुदा खुदा मर्दे, औरत है लेकिन मर्दानगी का दिल है। बूंदी जब पड़ी तो बेहोशी टूट गई, और जब बेहोशी टूट गई तो सोच रही है काश मालिक जिस वतन में जन्म दिया है मौत भी उसी वतन में दे दो तो मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगी। बुढ़िया माई उठते घुटने के बल, केहुनी के बल रेंगते हुए आती है अपने सरहद के तार के वायर कटिंग के पास, झोंक दिया पूरी शरीर को तार में, छाती छलनी हो गई बाबू, अब शरीर में दम नहीं रह गया भगने के लिए। अपने सरहद के इस पार आती है तो लड़खड़ा करके धड़ाम सा मुंह के बल गिर जाती है। आज जब गिरी ना बाबू तो उसका सर फट गया, टो रही है तो उसके समझ में आया किसी मजार पे मैं गिरी हूं। तो अपने सर के खून में अंगुरी के बोर के नभैया, और इतना ही वो मजरिया के ऊपर लिखलस बुढ़िया माई कि मेरे बाएं हाथ के बाजू में, इतने लिखते ओकर दम टूट गई। सुबह हुआ
सबसे पहले संयोग देखें अब्दुल कलाम ही उधर निकला, देखा एक बुढ़िया ओंधे मुंह गिरी है और कुछ लिखी है, अपने साथियों को चिल्लाया दौड़ो। सारे फौजी आते हैं, बुढ़िया को सीधा किया गया तो क्या अब्दुल कलाम को मालूम कि जिस बुढ़िया का दम टूटा है मजार पर वो मेरी ही माँ है। लिखा था मजार पर मेरे बाएं हाथ के बाजू में, उसके बाएं हाथ के बाजू को देखा गया एक काले कपड़े में एक ताबीज बंधी है, उसको खोला गया तो ताबीज का नुमा वो कागज रहल और कागज कोई साधारण ना सोक भैया, उहे कागज जन पाकिस्तान नक्शा तैयार कर रहल उहे नक्शा रहल, उसी नक्शे पर भारत अपनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। लेकिन सियाराम यादव कर्नल और तमाम हमारे हिंदुस्तान के जाबाज फौजियों ने देखा तो बुढ़िया माई को तोप की सलामी दी और ठीक रज्जाक के मजार के बगल में उस बुढ़िया माँ की भी मजार बनाई गई। कवि जी लिखा तुम खड़ी कराइन में बुढ़िया माई की भी मिट्टी देकर मजार बना दी गई और हिंदुस्तान के बहादुर सैनिक अफसर किए क्या कि पाकि पाकिस्तान जंग हारा उस दौर में, अरे झंडा भारत वाला फहरा गया लाहौर में। अरे पाकिस्तान जितना भी जोर लगा ले, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पे ऐसे ऐसे देशभक्त देश प्रेमी है, वाह रे मतारी धन्य रज्जा का बघेला अदुलहुन समाधि पास लागे आज मेला। साल में एक दिन 15 अगस्त के बाद आज दोनों बुढ़िया माई के मजार और रज्जाक के मजार पर शहीदी मेला लगता है। इसलिए कहा गया अरे कुर्बानी का पौले भाई नाम दे सवा करत बाटे बुढ़िया माई के सलाम दे सवा। इस शहीदी गीत को हम जवाहर फिल्म्स के सौजन्य से रसना से आप सबके सामने सुबेदार यादव और साथियों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर मेरे मित्र मेरे भैया मेरे चाचा गीत अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। गुरु बिहारी गुरु पत्तू बीरों की गाएगा था परसी धनमू सन कभी दर पे लोग झुकावे माथा। ए भैया भारत को खोया हीरा मिल गया संतोष सुबेदार इतिहास
कलेजा चीरा, भारत को खोया हीरा मिल गया। भोले बाबा